बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वेलकम बैक। एमडी कैट मेंटोर सीरीज़ में आज हम बायोलॉजी फिर से डिस्कस करेंगे और इसमें यूनिट इम्यूनिटी डिस्कस करने वाले हैं। इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन वन है जी, द डिजीज़ इन विच इम्यून सिस्टम कोलैप्स। हेपाटाइटिस नहीं है, यह इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर होती है। और ग्लाइकोजिनोसिस टाइप टू ये भी नहीं है, स्टोरेज डिजीज़ में ही आती हैं ग्लाइकोजिनोसिस। तो बीटा एड्स इसका आंसर है, एड्स में इम्यून सिस्टम कोलैप्स कर जाता है जी। क्वेश्चन नंबर टू, द रिस्पॉन्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमीडिएट बट नॉट लॉन्ग लास्टिंग। इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है जनाब पैसिव इम्यूनिटी में, और ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, जैसे कि एंटीवेनम सीरम है। और क्वेश्चन नंबर थ्री, एंटीबॉडीज आर मैन्युफैक्चर्ड इन, बुक की लाइन है, एंटीबॉडीज आर सिक्रीटेड इन बी लिम्फोसाइट्स एंड देन सिक्रीटेड इन टू लिम्फ एंड ब्लड वेयर दे सर्कुलेट फ्रीली। पहले बी लिम्फोसाइट में सिक्रीट होती हैं और फिर इनको लिम्फ और ब्लड में भेजा जाता है और वहाँ फ्रीली सर्कुलेट करती हैं। जैसे कोई एंटीजन आता है, एंटीबॉडी उसके पास जाती है और उसकी डेथ का बाइस बनती है। तो एंटीबॉडीज आर मैन्युफैक्चर्ड इन बी लिम्फोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर फोर, इन एनिमल्स इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इम्यून सिस्टम में एनिमल्स में एंटीबॉडीज, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स, ये तीनों इम्यून सिस्टम का पार्ट हैं। तो डेल्टा ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। आ सीरम, क्वेश्चन नंबर फाइव, आ सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडीज इज, जैसा कि ये शो किया गया है, ये एंटी सीरम है, इसमें एंटीबॉडीज होती हैं ओनली। सीरम में एंटीबॉडीज हों उसे एंटी सीरम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, एंटीबॉडीज कंसिस्ट ऑफ, वन हैवी चेन, टू हैवी चेन, टू हैवी टू लाइट चेन, टू लाइट चेन्स ओनली। देखें जी, ये जो चेन्स हैं ये हैवी चेन्स हैं और ये इनके साथ लाइट चेन्स हैं, दो लाइट चेन्स और दो हैवी चेन्स। तो चार्ली इसका आंसर है, टू हैवी एंड टू लाइट चेन्स। क्वेश्चन नंबर सेवन, द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वीक पैथोजेंस इन टू ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। देखें जी, आजकल वैक्सीनेशन का सिलसिला बहुत चल रहा है, तो COVID-19 वैक्सीन, इसमें एक्चुअल वायरस होता है लेकिन वो वीक पैथोजेंस होते हैं। एक्चुअल वायरस होता है लेकिन उसकी पैथोजेनिसिटी बहुत कम हो चुकी होती है, या कुछ मेडिसिन या कीमोथेरेपी यूज़ करके उसकी जो है पैथोजेनिसिटी को कम कर दिया जाता है, और इसे वैक्सीनेशन कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वीक पैथोजेंस इन टू ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। क्वेश्चन नंबर एट, एन एंटीजन इज, एंटीजन वो चीज़ जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करे, एंटीजन इज बीटा स्टिमुलस फॉर एंटीबॉडी फॉर्मेशन, ये देखें जी। क्वेश्चन नंबर नाइन, द केमिकल नेचर ऑफ एन एंटीजन इज, एंटीजन प्रोटीन, नॉन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकती है, ऑफ एनी केमिकल नेचर, ये भी बुक की लाइन है। क्वेश्चन नंबर टेन, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन इज, देखें जी, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स, ह्यूमरल रिस्पॉन्स या ऑटोम्यून रिस्पॉन्स। ट्रांसप्लांट रिजेक्शन सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स है जी। सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स क्या होता है जनाब? सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स में एक सेल इन्फेक्ट हो गया जी, उसका स्टिमुलस जाएगा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के पास, और वो मेमोरी टी सेल और हेल्पर टी सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे ताकि वो माइटोसिस करवाएं उस इन्फेक्टेड सेल की और उसकी डेथ काज करें, ताकि वो मजीद आगे इन्फेक्शन ना फैलाए। तो किलर टी सेल्स उस इन्फेक्टेड सेल को किल कर देंगे लास्ट पे। तो ये सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स है जी, अल्फा सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 11, डाइसल्फाइड ब्रिज इज फाउंड बिटवीन डैश इन एंटीबॉडीज। डाइसल्फाइड ब्रिज कहाँ मौजूद होता है? अभी हम ये देखें, डाइसल्फाइड ब्रिज दो हैवी चेन्स के दरमियान होता है और हैवी और लाइट चेन्स के दरमियान होता है, यहाँ हमने अभी देखा था। ये देखें जी, ये और ये और ये हैं डाइसल्फाइड ब्रिजेस। तो डाइसल्फाइड ब्रिज इज फाउंड बिटवीन बोथ ए एंड सी, बिटवीन टू हैवी चेन्स एंड बिटवीन हैवी एंड लाइट चेन्स, डेल्टा बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 12, स्टडी ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 13, लार्जेस्ट लिम्फोइड मैस, देखें जी, लिम्फोइड मैस है स्प्लीन, लार्जेस्ट लिम्फोइड मैस ह्यूमन बॉडी में है स्प्लीन, और ये लेफ्ट किडनी के थोड़ा ऊपर और पैनक्रियाज के साथ देखें कनेक्शन है इसका, और ये मौजूद है, इसकी लोकेशन देख लें, लार्जेस्ट लिम्फोइड मैस इज स्प्लीन।
स्किन एंड म्यूकस आर एन एग्जाम्पल ऑफ स्किन एंड म्यूकस आर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. 15. द कैपेसिटी ऑफ आर बॉडी टू आइडेंटिफाई एंड इरेडिकेट इंट्रूडर्स. इंट्रूडर्स क्या हैं? एंटीजेंस हैं एक्चुअली. एंटीजेंस के खिलाफ बॉडी अपनी कैपेसिटी को आइडेंटिफाई करे और उनको इरेडिकेट करे, तो इसे इम्यूनिटी कहते हैं. तो डेल्टा इम्यूनिटी इसका आंसर है. थैंक यू जी.